subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी का एनालिसिस फॉर टुमारो। तो आज निफ्टी बंद हुआ है 16,338 पे, लगभग 38 पॉइंट गेन के साथ। तो अगर आप वीकली चार्ट पे देखोगे तो इस वीक के लिए हम ट्रेड कर रहे हैं लगभग 1.68% गेन के साथ, लगभग 270 पॉइंट ऊपर। और यहाँ जो है तो ऊपर की तरफ आप देख सकते हो कि 50 और 20 वीक का जो एवरेज है वो एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हम यहाँ जो है तो इसके अराउंड कंसोलिडेट करेंगे, एक रेंज में रहेगा मार्केट इन मीडियम टू लॉन्गर टर्म, और उसके बाद में शायद ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट आ सकता है। अभी देखते हैं डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हो कि हमने फ्री हाई के साथ जो है तो जो 200 डेज का एवरेज था उसको टेस्ट किया ऑन मंडे, और आज ट्यूजडे को जो है तो निफ्टी ने क्लोजिंग दी है गेन के साथ लगभग 16,338 पे। और निफ्टी ट्राई कर रहा है कि 16,550 का जो लेवल है उसकी तरफ जाने की। तो नीचे की तरफ यहाँ बाय ऑन डिप्स रहेगा मार्केट, यहाँ जो है तो आपको मार्केट में डिप्स पे बाय करना है। जो रेंज रहेगी वो 16,50 से लेकर 16,150 उसके बीच में आपको बाय और एक्युमुलेट करना है। आपको जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 16,450, और उसके बाद में 16,550 के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम ब्रेकआउट देते हैं 16,550 के ऊपर तो आपको एक शार्प शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है, जो मार्केट को 17,500 की तरफ भी लेकर जा सकती है। उस सिनेरियो में जो टारगेट रहेंगे हमारे, फर्स्ट टारगेट रहेगा 16,900, उसके बाद में 17,500। उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है मगर हो सकता है, अगर वैसे कोई क्लोज जो है या फिर न्यूज फ्लो मार्केट को सपोर्ट करने के लिए आता है। करंटली मार्केट बाय ऑन डिप्स है, 16,050 से लेकर 16,150 के बीच में बाय करना है, 16,450 16,550 के अराउंड जो है तो आपको प्रॉफिट बुक करना है। शॉर्ट आई विल नॉट गो शॉर्ट, यहाँ शॉर्ट जा सकते हो मगर आई विल नॉट सजेस्ट यू टू गो शॉर्ट। तो हम फोकस करेंगे लॉन्ग साइड पे ही। ऑप्शन ट्रेडर जो है तो 16,050 का जो कॉल ऑप्शन है उस पर फोकस कीजिए, उस पर डिप्स पे बाय करना है आपको। उसमें जो है तो आपको अच्छे खासे गेंस देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ जो है तो मोस्टली हम लॉन्ग साइड पे ही रहेंगे, कॉल जो है तो कॉल पे ही फोकस करेंगे, बाय ऑन डिप्स रहेगा। आप जो है तो 16,550 का जो मंथली एक्सपायरी का कॉल ऑप्शन है उस पर भी फोकस कर सकते हो, मगर यहाँ प्रॉब्लम एक है कि अगर मार्केट कंसोलिडेशन में जाता है तो वहाँ जो है तो आपका टाइम डीके ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो वो एक प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो उसकी वजह से आई विल मोस्टली फोकसिंग इन द मनी कॉल ऑप्शन, उस पर हम फोकस करेंगे, क्योंकि थोड़ी भी मूव आ गई मार्केट में तो हमें फ्यूचर के जैसे गेन हो सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी इन द मनी रहता है और उसका डेल्टा जो है तो कम प्रीमियम कम कैपिटल में भी आपको जो है तो फ्यूचर के जैसा प्रॉफिट हो सकता है। उसके प्रीमियम हालांकि ज़्यादा रहते हैं मगर उसका डेल्टा बढ़ने के बाद जो है तो आपको जो पॉइंट वाइज प्रॉफिट होता है वो बहुत ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू फ्यूचर। सो आई विल फोकस ऑन इन द मनी कॉल ऑप्शन, और जो हमारा बाइंग का लेवल रहेगा वो 16,50 से लेकर 16,150 के बीच में। आज भी 16,200 के करीब आया था मार्केट, हमने बाय किया 16,300 के अराउंड जो है तो उसमें प्रॉफिट बुक कर लिया। यहाँ जो है तो आपको यहाँ अभी बहुत दिनों तक मार्केट खेलने को मिलेगा, एक साइड में थोड़ा सा थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, मगर आपको मोस्टली फोकस करना है लॉन्ग साइड पे। करंटली तो लॉन्ग साइड पे आपको फोकस करना है और आपकी स्ट्रैटेजी बाय ऑन डिप्स रहनी चाहिए। और जैसे मैंने कहा था, मैंने जो वीकली एनालिसिस में जो टारगेट दिए थे वो तो हमने फ्री हाई के साथ मंडे के दिन ही अचीव होते हुए देखे। यहाँ जो है तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में भी हमें अच्छे खासे गेन देखने को मिले हैं। सो आई होप सो कि जो एनालिसिस है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे साथ ट्रेड करना चाहते हो तो मेरे पेड सर्विस ले सकते हो, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।